होम्योपैथ औरंगाबाद महाराष्ट्र से, मेरे घर से, मेरे क्लिनिक से आप सबके साथ आज 20 अगस्त 2023 के इस लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूँ। कैसे होंगे? हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे, जिंदा होंगे। टीके लगवा लिए हैं तो पता नहीं कब बुलावा आ जाए। सीमा मुचल, नमस्कार नमस्कार लेमनी बराई, नमस्कार डॉक्टर जी। लेमनी यार मोबाइल हाथ में लेके बैठती हो क्या? प्रकाश आई नमस्कार, नमस्कार आई सर। देव देव प्रमा, राम राम, राम राम भाई साहब, राम राम जी। मोबाइल हाथ में रहता है। हाँ उमेश भंडारी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अर्पित सिंह प्रणाम, स्नेहलगट, सत्येंद्र नागर जी नमस्कार, फैजल खान जी गुड मॉर्निंग, विनोद सूर्यवंशी जी, जय परम परम शक्ति, कांचन वर्मा जी नमस्कार, लीना कर मैडम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लीना जी, भावेंद्र बंजारे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भावेंद्र जी, राहुल माने नमस्कार, शिवम दावर राम, बजरंग मित्तल जी राम राम, वंदना खन्ना जी गुड मॉर्निंग, लॉर्ड कॉन्टियो नमस्कार, मनसुख पटेल जी नमस्कार, नीलेश बंजारी जी गुड मॉर्निंग, मंगेश मस्के जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। 40 हुए हैं, 50 रुपये बात करना स्टार्ट करूँगा। तबियत कैसी है? तबियत बात करता हूँ, तबियत पूरी ठंडी है। यहाँ पे बरसात हो रही है, हल्की हल्की बरसात हो रही है। जैसे कल एंटर किया मैंने, नासिक हाईवे से लासूस के आगे जब आया तो बादल थे और बरसात स्टार्ट हो गई थी। सुबह से थोड़ा ठंड था तो स्वेटर पहन लिया। नमस्कार। और सर दर्द कल 3 दिन पहले हुआ था, कल नहीं का, आज सुबह मॉर्निंग से सीवियर सर दर्द था। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊँगा इतना था, अब थोड़ा सा हल्का 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 है। उतनी बारिश नहीं है जितनी ठंड है हमारे यहाँ भी। यस, तो हवा चल रही है उसके वजह से। आप लोगों का सहयोग हमें रखिए। अभी 4 दिन के लिए आया हूँ, घर वालों ने पापा ने बुला लिया। एक्चुअली कल नागपंचमी है, नागपंचमी महाराष्ट्र में बड़ा त्यौहार भी मनाया जाता है, क्योंकि वो किसानों का एक तरह से दोस्त भी होता है। चूहे जो रहते हैं, मूस जो रहती है, ये नुकसान करती है फसलों का। और सांप एक तरह से उस साइकिल है, चेन जो है लाइफ साइकिल की, जो चेन है उस चेन को मेंटेन करते हैं, उसमें चूहों को खाते हैं जो खेतों को नुकसान करते हैं। तो इसलिए किसान जो है उसको नागपंचमी अच्छी तौर पर मनाई जाती है। महिर मलिक ने बहुत बढ़िया कहा, कल नागपंचमी है, बीजेपी वालों को दूध पिला। ये बढ़िया था, ये बहुत बढ़िया था। राम राम हरीश कुमार। तो हमें आप अभी 4 दिन के लिए मेडिटेशन के लिए आप मेल कीजिए। मेल आईडी मेरा आपको दिखा देता हूँ, ये मेल आईडी है, डॉक्टर विलास जगदाय 1985@gmail.com। ये मेरा मेल आईडी है। फिर अपने बैठा है यहाँ पे, बुक पढ़ रहा है वो अभी। कौन सा बुक है? चक्राज, अल्टीमेट चक्राज। पिछला रात ये मैं आज लिए हैं बुक्स, ये आज खरीदे हैं। इसका डीपी लगाया है मैंने, शैलेंद्र कांबड़े जी। बढ़िया कॉमेंट था, बीजेपी वालों को दूध पिलाने का।
सोल टू सोल। इसके पहले वो चक्रास भी लिए थे और पढ़े नहीं है मैंने। एक बार पढ़ने बैठ जाता हूँ ना तो फिर ये पिछले बार लिए थे। तो बुक लेटर एक रिपीट हुआ लगता है। अलग है, मैं वही बोला। मैं कहता हूँ कोई सुने ना सुने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ पे जाओ तो एवरीथिंग सुनना सुनो तो मत सुनो। लोग बात पढ़ते हैं ना वैसे आप बनते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस रहती है। आप लर्निंग के लिए जो मैंने कहा है वो प्रोसेस से आप गुजरते हैं। आप जो देखते हैं जो सुनते हैं उसको आप अडाप्ट करते हैं, आप उसको संगत का असर इसमें हो सकते हैं। तो बुक्स के अच्छे दोस्त होंगे आप, जैसे अच्छी रीडिंग करेंगे तो आप अच्छे दोस्त बुक्स के साथ जुड़ते हैं। एक बहुत बढ़िया बुक ये है, मैं मेरे एक्चुअली जो मेरे साथ अब जुड़ते हैं, मैं एक्चुअली बता सब मेरे घर सारा नॉलेज आपको 2024 के बाद में डीप लेवल पर जाएगा। मगर जो प्रोफेसर मैडम ने कहा है नौ नौ अपने अपने जो है नीचे जुड़ने, तो मेरे जो नीचे नौ जुड़ने वाले जुड़ रहे हैं जिनका मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, जिनको मैं चूज कर रहा हूँ, तो वो हायर लेवल का नॉलेज, वो डीप लेवल का नॉलेज उनको पहुँचाने की जिम्मेदारी, उनको ट्रेन करने की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी की जो हमारी शक्तियाँ हैं उनकी जिम्मेदारी है। आपके पास जो भी आप नौ जुड़ेंगे उनको आपको जोड़ना है लेना है। मैंने एक बात कही थी जब एडिशन में, जिसको पोस्ट में पहुंच जाएगी मैसेज, जिसको मैसेज पहुंचना चाहिए तो पहुंचता पहुंच जाएगा, समझना है उसको समझ जाएगा। मैंने कहा था जब जाएंगे तो उससे बात कीजिए, मेडिटेशन जब बैठेंगे और जब आएगा सामने उससे बात की, जो बात करेगा वो यकीन नहीं आया होगा तो उसका भी एक बुक मुझे मिला आज, तो इसलिए मैंने वो लिया। भगवान को आप भगवान की तरह मत देखिए, भगवान आपका उनका सखा है, दोस्त है, उससे आप बात कीजिए। फ्रेंडशिप विद गॉड एंड अनकॉमन डायलॉग, नील डोनाल्ड वॉच की ये बुक है, अनकॉमन डायलॉग। वो आपको बात करेगा, वो आपको बात करेगा, वो आपको कन्वर्सेशन करेगा, उससे आप बात कीजिए, सोल टू सोल कनेक्ट कीजिए। मैं सोच रहा था कि जैसे मैंने आज वीडियो देखा नहीं है, हे आप ये बात ग्रो अप को बोल रहे हैं जो खुद को देश खुद को दास बताते हैं। ये अच्छा कॉमेडी किया लेवल ने, आप ये बात ग्रो अप को बता रहे हैं जो खुद को दास बताते हैं भगवान का। सही, भगवान सखा है आपका, दोस्त है आपका, वो आपका, आप उसके दास नहीं हो, आप उसी की एक अंश हो। वो बाप हो सकता है, वो माँ हो सकता है, वो उसके आप भक्त नहीं हो सकते, आप उस
उसको दोस्त की तरह, प्रेमी की तरह, जैसे प्रेम रस जो आता है, सभी ने प्रेम तुकाराम महाराज, नारेश्वर महाराज, इन्होंने प्यार किया है भगवान के साथ, आपको गलत तरीके से दिखाया, अरे भक्ति 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 नहीं थी, वो नाम जपते थे उसका, नाम स्मरण करते थे उसका, नाम तब स्मरण होता है आदमी के साथ, वो अगर अटैच हो वो चीज, अगर आप उस चीज के साथ अगर अटैच है तो आप उसके बारे में, दुश्मन के बारे में सोचेंगे 24 घंटे, दुश्मन 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 सोचेंगे नहीं ना, आप सोचते किसके लिए, जिससे आपका अटैच हो जाए, आपका प्यार है, आप उसके बारे में सोचते हैं, तो उसी तरह से आप उसके साथ अटैच हुई। रही बात, आज का टाइटल दिया है मैंने, वो आएगा वो आएगा वो, क्या मैं 50 बार कह चुका हूँ, वो आएगा तब आएगा, क्या पता तुम्हारे भरोसे बैठा हो, गए 3.5 साल से तुम लोगों को जगह जगह के पनीर टीके के जी ओमो 3+2G LC मास कच्छे इन सब के बारे में बता रहा हूँ, अरे उसको आना होता तो क्यों भेजता था मुझे, मैं क्यों आता था यहाँ, पता रहे मैं स्टोरी बताई थी आपको, एक याद होगा आपको, क्या था, एक बार बाढ़ आती है, बाढ़ आती है एक गांव, सभी बाढ़ आई हुई है, पंजाब में आई है, गुजरात में आई हुई थी, राजस्थान में आई थी, उड़ीसा में आई है, हर जगह पर बाढ़ आई हुई है, तो बाढ़ आती है और बाढ़ में गांव के गांव अभी जैसे खाली किए जा रहे हैं, वैसे गांव खाली हो रहे थे, और एक बंदा जो था वो पेड़ पे चढ़ के बैठ गया था, बहुत बाढ़ आ गई तो सब बह रहा था, खुद पेड़ को पकड़ लिया और पेड़ पे जाके बैठ गया, पेड़ पे बैठ गया और बाजू वाले पिछले गांव से लोग बहते बहते आ रहे थे, कोई बोट में आ रहा था, वो बोट में आते हुए बोला अरे भाई चल बैठ जा, दोपहर का टाइम हो रहा है, कोई आएगा नहीं आएगा पता नहीं, हम आ गए हैं, हमारे बोट पे जगह है, तू आके बैठ जा, नहीं नहीं मेरा भगवान मेरे लिए आएगा, मेरा भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं, बहुत बड़ा उसका सेवक हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, आएगा मुझे बचाने, वो चला गया। फिर आधे घंटे बाद फिर से दूसरे गांव से दूसरी बोड़ी आई, बोले बैठ जा भाई जगह है मेरे पास और खाना भी है, बच जाएगा कुछ दिनों के लिए, नहीं मेरे तो भगवान आएगा, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ उसका, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। दोपहर के शाम होने लगी, 4-5 बजने लगे, सरकार को पता नहीं कहाँ से कलेक्टर को बचाओ उन लोगों को, कलेक्टर साथ हेलीकॉप्टर भेज दिया सबको बचाने के लिए, वो हेलीकॉप्टर वाले बोल रहे भाई चल आजा बैठ जा हेलीकॉप्टर का रस्सी पकड़ ले राजा ऊपर, नहीं नहीं मेरे तो भगवान आने वाला, भगवान आने वाला है मेरे को बचाने के लिए, नहीं यार। शाम हुई, एक आखिरी 7-8 बजे एक आखिरी बंदा थर्मा बोल उसकी एक नाव बना के उसके ऊपर, भाई एक जगह है मेरे पास मैं अकेला हूँ, तुझे आके बैठ जा, भाई तो बैठे निकल जाएंगे बच जाएंगे, नहीं मेरे लिए भगवान आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। पारा घर में पानी पड़ गया, भाई साहब पानी में डूब के मर गए, मर गए, भगवान के पास चले गए, भगवान के पास गए, द्वार खुला आ गए, क्या भगवान, भगवान बोले आओ बैठो, भाई साहब आ गए तुम्हारे पास, बहुत याद कर रहे थे हमने याद कर लिया, आ गए आ जाओ। तो भगवान ने तुमसे इतनी भक्ति की, इतना प्यार किया, इतना ये किया वो किया सब किया, नाम जपता रहा और तुम मुझे बचाया नहीं, भगवान बोले क्या बात कर रहे, मैंने बहुत बार तो प्रयास किया, बोले कहाँ प्रयास किया, एक बार भी दिखे नहीं मेरे को, अरे ऐसे कैसे, जब दोपहर सुबह के टाइम पे 11-12 बजे जब बोट आई थी पहली वाली, तो वो जो बात बुला रहा था तुमको भेजा था ना, बाद में दोपहर के टाइम पे एक दूसरे बोट आई थी, खाना है बैठ जा मेरे पास खाना है अपन कुछ दिन जी पाएंगे, फिर एक शाम के टाइम पे हेलीकॉप्टर भेजा था वो भी उसको चढ़ा दी, फिर रात के टाइम पे एक आखिरी आया था थर्माकोल की बोट लेके, तो वो बोला चल आ जा बैठ जा, वो भी तू चढ़ा दी, तो बोले हाँ आए थे ना, और तुम कहाँ थे, अरे मैं ही तो था, वो क्या ऐसे उड़ते उड़ते तेरे साथ पास भी आए थे, मैं ही तो भेजा था उनको, मैं ही तो था उसके अंदर, अरे यही तो मैं सुना रहा हूँ आप लोग, आप समझते नहीं हैं,
वो आएगा 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 तब आएगा, पता नहीं कब आएगा। आप अपनी अपनी जान बचा लो, वो आएगा तब आएगा। 3 साल पहले अगर मैं बोलता था एनसी मत लगाओ, मास्क मत पहनो, आज अच्छे बने रहते थे ना, तो आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल डाउन होके आपके बॉडी के सेल्स का न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो गया रहता, और एक छोटा सा आपका बॉडी का एसिडिक अल्कलाइन नेचर अगर डिसबैलेंस हो गया ना, क्योंकि कैंसरस सेल कैन ग्रो ओनली एसिडिक नेचर, अल्कलाइन नेचर में वो बढ़ते नहीं। आपके बॉडी का पीएच अगर एसिडिक बनेगा तो आपके बॉडी में कैंसर के सेल्स ग्रो करेंगे। आप अपना काम करते रहिए, अपना कर्मा करते रहिए। अगर भी मेरा बोलता ना नहीं नहीं वो तो आएगा और बचा लेगा, मैं आपको आपके बता दी अच्छे मत पहनो, ये जो सब रेडिएशन न्यूमोनिया चल रहा है ये 3+2G का रेडिएशन है, ये जब न्यूमोनिया हो रहा है इसका रेमडेसिविर फ्लेविविर के साइड इफेक्ट से लोग मर रहे हैं, ये अगर 3 साल पहले बताता नहीं था तो आप बस आप भी लगे पड़ते थे उसी लाइन में, जो बच गए हैं उसी लाइन में जाके खड़े होके आप भी राह देखते थे कब HIV हो जाएगा, कब हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन बैठेगा। ये नहीं आप समझ रहे हो, वो नहीं आया बचाने के लिए, हमें भेजा, हम मेडिटर बने आपको बचाने के लिए, हमने हमारा कर्मा किया। और कोई आके अगर बोल रहे आएगा आएगा, अरे आएगा तब आएगा यार, मैं खुद बोल रहा हूँ, हम भी राह देख रहे आए आ जाए, और उसके लिए क्या अभी बस आए 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 करते बैठे, ऐसे नहीं होता, वो आएगा तब आएगा। तब तक तो अपना करो, वो आएगा बचा लेगा, वो उसका कर्म करेगा, वो खुद कुछ अलग कर दिया है, वो अपना कर्मा करने आ रहा है, वो करेगा अपना कर्मा, तो तुम्हारा करो ना। आप लोगों को पेड़ लगाने के लिए बोले हैं, नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं है, अगर जिसको पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है और आपके पास वक्त नहीं है, आप मुंबई पुणे बैंगलोर बड़े सिटीज में रहते हैं, आपके पास जगह नहीं है, रत्नेश की टीम जो है ना, मुझे बता रहा था 2 दिन से, उसके फेसबुक पे जाके आप देख सकते हैं, उनकी टीम जो है ना वहाँ पे वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, 10-15 बच्चे हैं 20 साल के अंदर के, वो घरों घरों में जाके वो 5 पेड़ को उनको दे रहे हैं, 20 साल के अंडर के बच्चे हैं, उनका जो पॉकेट मनी का खर्चा है, उनके जो पापा देते हैं खर्चे करने के लिए हफ्ते को, वो पैसे बचा के वो पेड़ खरीद के वो लोगों जाके बांट रहे हैं। अगर आप नहीं लगा पा रहे, आपके पास मौका नहीं, आपके पास वक्त नहीं, अगर आपके पास पैसा है और आप अगर वो पेड़ के लिए देना चाहते हैं, रत्नेश का गूगल पे फ़ोन पे नंबर मैं आपको बताता हूँ, 7298844488। मैं फिर से कहता हूँ, 7298844488। रत्नेश यादव उसका नाम फोन पे आएगा। तुलसी का मैं खर्चा आपको बताता हूँ, उसने लिख के दिया है मुझे कितना खर्चा, क्या क्या पेड़ को आता है लगाने के लिए, आप उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए और वो भी लोगों को देगा, तो ऑटोमेटिक आपके पेड़ को दिन हर रोज़ पानी जो उनको देने वाला है वो लोग देंगे। शायद शर्म आ रही होगी लोग बड़े लोगों को बच्चों के कर्मा से। 80% वुमेन फाउंड HIV पॉजिटिव इन UP, ऋतु गौर जी। देखिए आप समझ रहे हो किस लेवल का कर्मा कर चुका हूँ मैं, जो ये करोड़ों लोग बच गए हैं आप लोग, कि भाई ने उस लेवल पे कर्मा करवा लिया है मेरे से, वो आया वो आता नहीं है, उसने भेज दिया एक मैसेंजर, एक को मैंने वो काम कर दिया, मेरा रोल मैंने कहा वो खत्म हो चुका है, मैं नहीं चाहता है। उज्जवल दास पूछ रहे यूपी में किस जगह से, ऋतु गौर जी पूछ रहे किस जगह से, तुलसी का पेड़ 30 रुपये का है, अशोका का 50 का है, बनाना का 50 का है, नीम का 35 का है और अनार का 50 का है, टोटल आता है 215 रुपये उनके पे 5 पेड़ का उनको खर्चा है। बच्चों ने अब तक कम से कम 200-250 के ऊपर पेड़ लगाए हैं, बांटे हैं, 200
200-250 भी अगर पकड़ के 200 रुपये के हिसाब से, तो 5,000 से 6,000 रुपये उन्होंने खर्चा किया है, पॉकेट मनी का खर्चा किया, जेब से किया है। देने मेरे कहा भाव इम्पोर्टेंट है, वो भाव इम्पोर्टेंट है, वो जो कर रहे हैं बच्चे हैं 20 साल के नीचे के, और वो जो कर रहे हैं वो भाव उनका प्योर भाव, उन्होंने एक भी अगर पेड़ लगाया रहता ना तो वो उस भाव से उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जिस लेवल तक मैं भी नहीं पहुंच पाऊँ, उन्होंने किया है। तो आपके पास अगर नहीं है पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं, आप अगर पैसे देना चाहते हैं, 215 रुपये खर्चा है उसका, 7298844488 में इसका आपको आप स्क्रीनशॉट भी उसको लेके रख सकते हैं। आप करना चाहते हैं, आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास जगह नहीं है, वैसे भी आप जाके खरीदेंगे तो उतना ही खर्चा आएगा। कर रहे हैं बच्चे, अप्रिशिएट कीजिए, भेज दीजिए उनकी, क्योंकि मैं बोलूँ आप मुझे भेजिए, मेरे को मेरा ये वक्त या फिर ये नहीं रहता कि कौन क्या भेज रहा है, वो देखने का वक्त आप मुझे भेजेंगे, मैं उनको भेजूँगा, बहुत लेट हो जाएगा, उस पर आप सीधे उनको भेज दीजिए, आपके पास भी रहेगा एंट्री का भेजे थे, आप बोल सकते हैं भाई साहब भेजे हैं, मैं उनको भी कहूँगा जिनसे आया है ना, तो उस पेड़ के ऊपर उनके नाम का एक लेबल लगा दीजिए, डोनेटेड बाय, आता है बॉटल्स के ऊपर मैन्युफैक्चर्ड बाय समवन एंड मार्केटिंग बाय समवन, तो डोनेटेड बाय समवन एंड द गिवन टू समवन जो रहेगा उसका उस पर लेबल लगा के उस पेड़ को फिर लगाइए। कीर्ति जी अच्छा है, आप अपने स्कूल स्पेस पे जाके पेड़ दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको जितना उसके जहाँ हो सके उसको दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जिनके पे जहाँ नहीं लग पा रहे हैं उनके पास नहीं है, आप सतीश को दीजिए। और भरोसे मत बैठिए भगवान की, पता नहीं आप भगवान आपके भरोसे बैठा है, मैंने कहा हूँ कि आप बाहर मत जाइए, इंडिया मत छोड़िए, इंडिया सेफ जोन है, यही वापस आना है, ये जरूरी नहीं है सरकार आपको इतने जल्दी भगवा देगी, कभी कभी कहा ना मीडिएट, कोई कोई मीडिएटर रहता है। मीरूट मेडिकल कॉलेज न्यूज, 80% वुमेन्स फाउंड HIV पॉजिटिव, ऋतु अगौर जी ने उज्ज्वल दास जी की कमेंट पे लिखा है, कहाँ की न्यूज थी, मीरूट की रिपोर्ट है, मेडिकल कॉलेज ने डिक्लेयर किया है 80% प्रेगनेंट वुमेन्स वहाँ पे आई थी वो HIV पॉजिटिव हो चुकी है। पूछ रहा था ना कोई कभी, कहा है प्रूफ, ये प्रूफ है, रिपोर्ट में दिया था मैंने 15,232/2019 डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाले द वर्सेज द यूनियन ऑफ इंडिया केस नंबर है जिसमें डॉक्टर ने सबमिट किया था। हवा में तीर नहीं मार रहे, विसल ब्लोअर हो, अभी आया हूँ महाराष्ट्र में, फिर आऊँगा गुजरात में, फिर कहता हूँ DGP गुजरात पुलिस और SP राजकोट, मैं वहाँ पे आऊँगा, मेरा काम जो है लोगों को जगाना, जागरूक करना, इस बात पे नोटिस करें वो जो है बुड्ढा जो 5 बार धमकी दे चुका है, ये मरने वाला है, ये मरने वाला है, ये मरने वाला है, और वो लोग प्लान कर रहा है मुझे ट्रैप में उसकी तरफ लेके जाने के लिए किडनैपिंग, और क्या उसका उसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, कुछ भी होगा सबसे पहले उसको उठाने का, एक्सीडेंट हुआ मेरा, कुछ हुआ, कुछ भी हो गया उसको, तब उसके किए का बला ना, हर किसी का हिसाब होगा जो कर रहा है ना कर्मा, हर किसी का, हम किसी के ऊपर गुस्सा नहीं है, मैं किसी स्टेट्स पे गुस्सा नहीं हूँ, गुस्सा होता तो जाता नहीं है, आप गुस्सा हो गए इसलिए फ़ोन नहीं कर रहे हैं, आप गुस्सा इसलिए मैसेज नहीं कर रहे, मैं किसी को गुस्सा नहीं, मगर वो जो कर रहे हैं कर्मा वो सही नहीं है, फ़ोन करके व्हाट्सअप करके आप मुझे ट्रैप पे ला रहे हो,
डीजीपी गुजरात पुलिस, होम मिनिस्ट्री गुजरात और एसपी राजकोट। भाई साहब उसका क्या बंदोबस्त करना है वो देख लीजिए। मेरे गाड़ी को कुछ हुआ ना कुछ हुआ पूरे दिन मेरा, डरते नहीं है। और ये जो है ट्रैप कर रहा है, ट्रैप फंसना हमको अच्छे से आता है, कहाँ से उसको निकलना क्या करना। तो भरोसे मत बैठिए भगवान के, भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा होगा। अगर मैं बोलता ना हाँ भगवान बैठा है आने वाला है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बैठा रहूँगा यहाँ पे। 2019 में जो मैंने याचिका दाखिल की थी सर, आप क्यों से भी रखा कीजिए, अच्छे लगते हैं। तो 15,232/2019 याचिका है। कोई भी अगर आपका दोस्त होगा हाईकोर्ट में तो उसको बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच 15,232/2019 में, यानी महामारी आने के पहले मैंने कर दी थी याचिका दाखिल वैक्सीन से इंजुरीज को कॉम्पेंसेशन के लिए कुछ कीजिए। और उसमें मोदी साहब ने तभी कह दिया था हमारा कोई रोल नहीं है, जो करना है वो लोगों की जिम्मेदारी, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। तो भाई हमने तो उसको पहले पकड़ लिया, भाप लिया था, देख लिया था। अरे काम की कमेंट करिए लोगों, ले लीजिए यार बिना काम के बहुत टेंशन होती है। सर उसका चैनल भी है, बोले तो हमें क्या करना है। आप तो डीजीपी देखेगा, डीजीपी गुजरात और होम मिनिस्टर गुजरात देखेगा। जब चार चार याचिका करके बैठे हैं, पहले थोड़ी बैठे हम हमारा कर्म कर चुके, भगवान के भरोसे बैठा मैं, आएगा भगवान मेरे बच्ची को एमआर का टीका लगाने वाले थे पकड़ पकड़ के, तब बेल लगा निकला था वो। मैंने कहा ना प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्यार सब कुछ करवाता है। आपको आपके देश पे प्यार है, आपको आपकी फैमिली पे प्यार है, आपके आपको जमीन के लिए प्यार है। आदमी लड़ लेता है, आदमी उस बियॉन्ड द लाइन चला जाता है जहाँ पे वो सोच नहीं सकता। आपको प्यार है क्या? आपको आपकी फैमिली के साथ, आपको आपके घर के लिए, आपको आपकी गली के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, आपके स्टेट के लिए, आपकी कंट्री के लिए, आपको इस पृथ्वी के लिए, आपको इस मानवता के लिए प्यार है क्या? है आदमी कर गुजरता है, आदमी लिमिटलेस वो कर जाता है जहाँ सोच नहीं सकता है। सिर्फ वो करने की तमन्ना है क्या? कहाँ ये ना 50,000 चाहिए, ना 5,000 चाहिए, ना 500, ना 50। बस इतने ही चाहिए। जो कर गुजरने की चाहत रखते हैं, जो मैं से हम बने, एक एक है लाइन है याद नहीं है अच्छे से, ट्राई करता हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी आके पूछे बताए बंदे तेरी रजा क्या है। अपना कर्मा इतना कर डालो उसको भी आके बैठना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा चाहता क्या है, तू चाहता क्या है। वो आएगा तब आएगा, आएगा तो मेरे सामने बैठेगा, पूछेगा चाहता क्या है। तब तक तो हम भी नहीं रुकेंगे, तब तक तो हम भी नहीं मानेंगे, तब तो आके बैठेगा नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्णा, जय कल्कि, जय सेवा, जय जोहार।